एक बार फिर बजाओ। भाई अंकुर ने फोन करके टॉपिक दिया था, कह रहे थे रौनक भाई इंसान को बादाम खाने से नहीं बल्कि धोखा खाने से अकल आती है, इसी पे बउआ बन के हमने क्या किया सुनते। गाना कॉपी करने के लिए सर दबाएं। मोहब्बत बरसा देना सावन्ना। हेलो, हाँ जी भाई साहब, अंकिल बोलो भैया। दो मिनट चाहिए थे अंकिल। अरे बोल, कौन रहा है? आज मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल। आदमी के जो अकल है ना, हाँ अकल, वो बादाम खाने से नहीं आती। फिर कैसे आती है अकल? धोखा खाने से आती है। हेलो सुनिए, मैं उस्मान बोल रहा हूँ। किसका सामान? सामान नहीं, उस्मान। हाँ बोल उस्मान। तुम मान गए मैं उस्मान बोल रहा हूँ? तब तूने तो बोला अपने मुँह से कि तू उस्मान बोल रहा है। नहीं नहीं, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, मैं तो बस आपको धोखा दे रहा था। चांटा मारूंगा सर जी। आपको ये बात साबित करनी थी कि इंसान के दिमाग, हेलो, बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है। अबे बादाम तू खाते है, मैं सावन। हेलो जी, उस्मान बोल रहा हूँ। अरे मेरे को पता, तू बउआ बोल रहा है? बउआ, तेरे धोखा खाने से अकल आ जाएगी, अब तू पहचान गया कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो बउआ ही बोल रही है। सुनिए, मेरे ना चिवड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकान है। चिवड़ी मोहल्ले में? नहीं नहीं, मैं तो आपको धोखा दे रहा था यार, कोई दुकान नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। पागल साले, मैं घुसी मारूंगा तुझे, तेरा कॉलर ट्यून याद दिलाता हूँ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मोहब्बत बरसा देना आया, मोहब्बत बरसा देना। अरे ओ धोखे की औलाद, मांग मत खराब कर मेरा, फोन में से घुस के मारूंगा साले तेरे को। हेलो, कौन बोल रहा है मैडम? किसको गंदा बोल रहे, तू गाली दे रहा? अरे मैडम, मैंने आपको क्या बोला? क्या बोला? आपको सारा बैलेंस चूस लूंगी। अरे इस नंबर से फोन कर रहा है और वो बोल रहा है कि धोखा खाने से अकल आती है। बादाम खाने से नहीं? बादाम खाने से नहीं। ये आपको भी फोन आया? ओ मेरे को भी फोन आया मैडम। अच्छा, उस्मान ने फोन किया? उस्मान ने चिबड़ी मोहल्ले में? उस्मान उस्मान कोई नहीं है, वो बउआ बोल रही है। ओ मतलब आपके भी अकल आ गई धोखा खा के? मतलब मैं और बउआ, एक सेकंड, साथ में हम लोग फोन, बउआ? हाँ जी, हम लोग साथ में फोन करते हैं। बउआ नहीं, उस्मान, उस्मान बोल रहा है। मारूंगा दोनों के। हेलो, उस्मान बोल रहा है चिबड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकान। वहीं पे घुस के मारूंगा। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ, मंडे टू फ्राइडे सुबह 6 से 11, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। ब्रॉट टू यू बाय खट्टे मीठे तीखे स्वाद की मसालेदार चुस्की का चटकारा, हाजमोला चुस्कारा। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one pair, Ronak. Morning number one pair, Ronak. Morning number one pair, Ronak. Morning number one pair. एक बार फिर बजाओ। 500 और 1000 के नोटों पे जो बातचीत हो रही है, लोग एटीएम के बाहर खड़े हैं नए करारे नोट के लिए, या 100 का पुराने मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात पे बउआ ने एक बार भाई साहब के मजे लिए कैसे चुटकुले बना बनाए, जरा सुनिए तो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते बेटा, कौन? बेटा बाप लग रहे हो क्या? बेटा बोल रहे हो? अबे तो तू भी तो अंकल बोल रहे है। मैं सॉरी अंकिल, मैं कह रहा था चौथी में था, सिलेबस बदल गया, दसवीं में गया सब्जेक्ट बदल गया, ग्रेजुएशन में गया पैटर्न बदल गया, और अब क्या बदला बेटा? पैसे कमाने लगा, नोट बदल गए, देख रहे हो? सुनिए तो, बोल बेटा बोल। बैंक में लाइन लगाने के बाद मेरे को पता चला कि जियो सिम के लिए जो लाइन लगी थी वो नेट प्रैक्टिस थी, असली मैच तो अब शुरू हुआ। ओह माय गॉड, दिल खुश इंसान लग रहा है। चलो और एक सुन। हेलो, अबे बोलेगा सुन रहा हूँ ना क्या? हेलो, ओए 100-100 के 10 नोट है मेरे पास, औकात मेरे, गंदा मत बोल साले, फोन में घुस के ना तमाचा मार के वापस आ जाऊंगा। सुना, अच्छा सॉरी, बैंक का मैं दूसरी बार जब पैसे निकालने गया ना, तो जो बैंक का गार्ड था वो ऐसे देख रहे जैसे मैं भंडारी की लाइन में दूसरी बार हलवा पूरी लेने गया हूँ। तू हंस रहा है, तू भी बड़ा हलवा पूरी खाया भंडारे का है कि नहीं? एक से मैं सुना रहा हूँ, 2-3 चीजें मैंने लिखी हैं। मोदी जी ने कर दिया 500,000 बंद, काला धन लेने वालों की हो गई बंद, नहीं हो गई झंड, पागल आदमी। बस कट, लोग एटीएम के बाहर खड़े अच्छे लगते हैं, रेडियो पे गाना बज रहा था बड़े अच्छे लगते। एक मिनट और एक सुन, मुद्दतों बाद वो मिली भी तो बैंक में,
अब बताओ मोहब्बत करें या नोट बदलवाएं? अबे तूने फोन नहीं रखा ना? हाँ जी। तो फोन में घुस के तेरी दो जूते मार के आ जाऊंगा, वापस आ जाओ। अच्छा एक आखिरी सुन लो, ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और जब एटीएम से पैसे निकालने जाना तो मोबाइल चार्जर तकिया और बड़ा वाला टिफिन भी लेते जाना। इंडियाज नंबर वन आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए, लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। रेड एफएम एंड हाज मुला चिस्कारा प्रेजेंट इंडियाज नंबर वन आरजे एक बार फिर बजाओ भाई। रामा मूर्ति और नितिन इन दोनों ने फोन करके हमें टॉपिक दिया कि हम लोग हिंदी दिवस मना रहे थे अभी कल ही, और हिंदी वीक भी कई ऑर्गेनाइजेशन में मनाया जा रहा है, क्या इसी में बउआ बन के आप कुछ कर सकते हैं? जरा सुनिए। हेलो, बात कर लिए मुझसे मेरे भाई? कौन बोल रहा भाई? बात कर, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अबे कर तो रहा हूँ, कौन बोल रहा है भाई? हेलो, आपसे नहीं बोल रहा हूँ अंकिल, मेरा भाई सामने बैठा उससे बोल रहा हूँ। पहले जिसको फोन मिला है उससे बात कर ले, फिर उससे बात कर लियो अपने भाई से। बउआ बोल रहा हूँ। तो फिर गंदा नहीं बोलिए, मेरा भाई फिर भी नहीं बोल रहा कुछ, बोल यार। तूने कोई हरकत करी होगी तभी नहीं बोलता है वो, गुस्सा होगा तेरे से। गुस्सा नहीं है, ही इज वेरी स्वीट। अबे तो स्वीट है तो बोल ही नहीं पा रहा है वो, बोल ही नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। डॉक्टर के पास ले गया था, डॉक्टर ने भी उसे चाटा। चाटा मारा? चाटा मारा नहीं, चाटा स्लर्प स्लर्प। डॉक्टर चाट रहा है? नहीं नहीं, माय ब्रदर इज वेरी स्वीट इसलिए चाटा। मेरी बात करा उससे अपने भाई से, कौन है तेरा भाई? मैं उसके कान पे फोन लगा दूँ, आप कुछ बोलना ठीक है? भाई सुन रहा है, बोलिए कुछ। क्यों नहीं बोल रहा तू? इसकी सुन ले, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। हेलो हेलो, कुछ बोला उसने? ऐसा मत बोलिए बेटा। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बात ही नहीं कर दिया ये बेटा। मम्मी से बात करा अपनी, क्या हुआ बेटा, कौन बोल रहा है? अरे तो तुम्हारा बेटा परेशान कर रहा है। इतना भोला है ये बउआ, सामने बोरी में शक्कर भरी है 50 किलो, उसको लिपट लिपट के रोता है बउआ। अरे पहले कहता है भाई है मेरा भाई, बताओ। अरे बोला नहीं है ये, गंदा मत बोल, तू इसी के लेवल की बात कर बउआ। मैं इसको लिपट के रोता हूँ, इसे भाई कहता हूँ, पता है क्यों? क्यों? बॉडी में क्या है 50 किलो? अभी तुम्हारी माँ ने बताया शक्कर है। शक्कर है? हाँ। शक्कर को क्या कहते हैं? शक्कर को चीनी कहते हैं। चीनी भी कहते हैं ना। मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, किस लैंग्वेज में? हिंदी में कर रहा है। और किस में कर रहा है वो? हिंदी में करेगा। एक मिनट, बॉडी में क्या है? चीनी। हाँ। मैं किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ? हिंदी में। तो मैं हिंदी। हाँ। बॉडी में चीनी। हम दोनों क्या हुए? गधे की हिंदी चीनी भाई भाई। अरे तेरी हिंदी चीनी भाई भाई, गंदा बोला। मैंने बोला था इज वेरी स्वीट। अरे तेरी रेड एफएम मॉर्निंग नंबर वन रौनक के साथ, मंडे टू फ्राइडे सुबह 6 से 11, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। Brought to you by खट्टे मीठे तीखे स्वाद की मसालेदार चुस्की का चटकारा, हाजमोला चुस्कारा। Red FM and हाजमोला चुस्कारा present India's number one RJ एक बार फिर बजाओ। पप्पू ने फोन करके टॉपिक दिया, कहते हैं रौनक भाई अक्सर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसा काम करे कि दुनिया हिल जाए। अभी हिल जाए पे बउआ ने क्या किया ये सुनी। हेलो, यही डूबे दिन मेरे। कौन बोल रहा है? यही होते हैं सवेरे। अरे बोल, कौन रहा है सवेरे? तेरी भाई, मेरी भी सुन ले। कैसा लगा मेरा गाना अंकिल? अरे गाना तो छोड़ तू, कौन बोल रहा है तो बता दे। जी मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, एक दूसरे गाने सुनिए अंकिल। हेलो, अरे मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। भाई मेरी तो सुन ले, किसी से तुम प्यार करो भाई, हम यार है तुम्हारे। अरे ओ सुन मेरी बात। अच्छी बउआ बोल, सुनिए। हाँ बोल। मैं जो गाने गा रहा था, हाँ। साथ में मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। हाँ। सतपुड़ा के पहाड़। अच्छा। कंचनजंगा के पहाड़। अच्छा। मैकलॉडगंज के पहाड़। अच्छा। और अरावली के पर्वत।
चढ़े क्या इनका? इनका कड़े नहीं, इसमें चढ़े क्या करें चढ़ के? मैं जो गा रहा हूँ गाना, मेरा गाना सुन के इनमें से किस पर्वत पर चढ़ने का मन कर रहा है आपका? अभी तो फिलहाल मेरा पेड़ पर चढ़ने का मन कर ऐसा मत करिए। हम दो प्रेमी चटके ऊपर गली गली में चोट चोट गाने इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा ने बोला था कि कुछ ऐसा काम कर जिससे लोग हिल जाएं, इसलिए मैंने पहाड़ पहाड़ पे जा रहे पहाड़ देख गाना गाऊंगा तो लोग हिल जाएंगे, हिल जाएंगे, हिल हिल मतलब पहाड़। नहीं हद हो गई यार, तू कहाँ से कहाँ ले गया अपने बात। मेरी बात सुनिए प्लीज, एक सेकंड रुकिए। आप हिल पे अकेले नहीं, वहाँ शाहरुख खान भी है पूरी टीम के साथ। शाहरुख खान बात है, देख शाहरुख खान भी पहाड़ पे गया। क्या बताऊं यार, क्या बताऊं, सुनना मैं तो हिल के, देख हिल गए अभी यार। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर वन रौनक के साथ मंडे टू फ्राइडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ब्रॉट टू यू बाय खट्टे मीठे तीखे स्वाद की मसालेदार चुस्की का चटकारा हाजमोला चुस्कारा। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर वन शो विद इंडियाज नंबर वन आरजे एक बार फिर बजाओ। आजकल लोग बड़ा घुमा फिरा के बात करते हैं यार, साफ साफ बात कोई करता ही नहीं है, इसलिए बहुआ ने एक भाई साहब से करी साफ साफ बात और मजे लिए उनके। कैसे जड़े सुनिए ऐसे। हेलो सॉरी, मैंने आपको निद्रा तो भंग नहीं की मैंने आपकी? कौन बोल रहा है? चलो मेरे से आते तो पीछे कोई भंग कर रहा है चिल्ला है, कौन है पीछे? नमस्कार, कौन बोल रहा है भाई? मैं बहुआ बोल रहा था। बोलो। 2 मिनट चाहिए। किसकी? किसकी नहीं, क्यों चाहिए पूछते किसकी? अच्छा क्यों? मैं कह रहा था ऋषिकेश में बहती गंगा, हाँ, चलनी के बाद जो चालते हैं उसके बाद जो आटा निकलता है वो। अच्छा। दिवाली के टाइम हमारा घर सॉरी। हेलो अनुपम खेड का सर? ओ गलत आदमी है। कौन? अनुपम खेड? नहीं आप, ऋषिकेश में बहती गंगा आप पूरे सुन नहीं रहे। दिवाली पे हमारा घर। ओ दिवाली पे पटाखे भी होते हैं, गोला बम डाल दूंगा में। ऐसे गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा तू पता नहीं बात बोल रहा है, आदि पता नहीं बैठा रहा है। एक सेकेंड देखो, मैं एकदम साफ बात करता हूँ, आप गलत मत बोलिए। अच्छा कैसे साफ बात कर रहा है? ये सारी साफ बातें तो हैं, अनुपम खेर जी का सर, ऋषिकेश की गंगा, एकदम साफ बात। अच्छा ये साफ है सही है। अच्छा ना मजा आया ना? चल रहता है, बिल्कुल बहुत मजा आया। दिवाली के बाद अपना घर मतलब दिवाली की सफाई होती है। तुषार कपूर की पिक्चर में थिएटर वो भी साफ होता है। हेमा जी जो आड़ो बेचती है उससे निकला हुआ पानी। और तेरी क्या है? मतलब वो कैसे साफ कर दिया कर वो कुत्ते के बैठने की जगह वो कैसे वो भी साफ करके बैठता है? तू भी कर लिया कर डंडे मारूंगा ना। आलिया भट्ट का दिमाग क्या दिमाग उसका? बैरागी जी का चरित्र। अब ये कौन है बैरागी? मैं नंद किशोर बैरागी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बैरागी जी के मैं दे दूंगा ठीक है अभी भी। गलत बोल रहे हैं आप। मतलब क्या बोल रहे हैं? इनका नाम क्या है बैरागी जी? इनका नाम है टर्बुलेंस वाधवा। अब आपका नाम टर्बुलेंस वाधवा है और इसके बाप का नाम होगा ये। फोन देख साफ बात कर लूंगा दोनों की आगे। गलत आदमी। हेलो साफ साफ बात ठीक है। इंडियाज नंबर वन आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए, लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।